हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर हमारा मैकेनिक्स का जो पोर्शन है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन का और वर्क पावर एनर्जी का, वो हमने एनसीईआरटी के हिसाब से और टेक्स्ट बुक के हिसाब से और भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का हमने अच्छे से कवर किया है। उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हमारी क्लासेस वगैरह भी चल रही है। एंड अब जो हम स्टार्ट करेंगे वही फिर से हम चैप्टर्स का रिविजन कर रहे हैं। रिविजन तो नहीं कहा एक चीज के लिए, क्योंकि हम वो ही पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा है, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे। किसके लिए? इन एग्जाम्स के लिए, जेडब्ल्यू या नीट, इनका नाम आपने पहले सुना होगा। इसके इंस्टीट्यूट एक दो और भी एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड, एनटीएससी वगैरह, ये सारे जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम है इन्हीं के लिए हमारा मेन इंटेंशन, अगर आप साइंस स्ट्रीम के अंदर जाते हैं तो उसका हमारा इंटेंशन यही रहता है कि हम जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, ठीक है ना। जो अर्लियर क्लासेस है उसमें आप स्टार्ट करें, ताकि आप जो 11th में जाके उसकी स्टडी करें, उन एग्जाम की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब आपको इतनी ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं होगी, ठीक है ना। अचानक से 11th में जाके ये सारी चीजें जो फाउंडेशन की अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज कि हम ये स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, एनसीईआरटी और जो हमारी जो स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं, ठीक है ना, जो हमारा बोर्ड का सिलेबस है उससे थोड़ा सा ऊपर जाके हम लोग स्टडी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है ना, एक टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या क्या होती है, और इन एग्जाम को किस तरह से अप्रोच करते हैं, किस तरह से इनकी स्टडी करनी चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जेडब्ल्यू नीट क्या होता है। जेडब्ल्यू का मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। जब आप साइंस की स्ट्रीम लेते हो, मतलब 11th में जाके आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे या साइंस लोगे। साइंस के अंदर आप लोगे तो आपके पास दो फील्ड होंगे, मैथ्स और बायोलॉजी, ठीक है ना। तो मैथ्स के लिए जब आप मैथ्स को चूज करोगे, मैथ्स के अंदर स्टडी करोगे, तो आपको इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग करोगे, उसके बाद जाके जब आप डिग्री करोगे तो इंजीनियरिंग करोगे, ठीक है ना। तो वेरियस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT वगैरह आपने सुने होंगे, ठीक है ना। उन सारे कॉलेजेस को, किसी भी तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज को एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम होता है बहुत अच्छा, जो इंडियन लेवल का सबसे बेस्ट एग्जाम में से एक है, ठीक है ना, JEE, उसका एग्जाम हम फेस करते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, 11th-12th के अंदर जो भी सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का, वो पूरा का पूरा सिलेबस पूछा जाता है। इस एग्जाम के दो स्टेज होते हैं, फर्स्ट होता है मेंस का, JEE मेंस, और दूसरा होता है एडवांस का। सो बहुत एक अच्छा लेवल का एग्जाम है, ठीक है, बिल्कुल भी बोर्ड से अलग तरह का होता है, और एक अच्छा कॉम्पिटिशन देता है बच्चे को, जहां आपको ये समझ में आता है कि हमने जो स्टडी की है वो सिर्फ क्या इसी तरह से की है कि बस चैप्टर पढ़ा है, क्वेश्चन कर लिए, चल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। IIT बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, और धीरे धीरे जब हम स्टडी करेंगे आगे तो आप समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस को हम अवॉइड करते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज, दूसरा नीट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये होता है मेडिकल के लिए। बायोलॉजी वाले, जब आप बायोलॉजी लोगे तो मेडिकल वेरियस जो कॉलेजेस है उनमें एडमिशन के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है ना। उसके थ्रू आप वहां जाते हैं, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलता है जो रैंक के हिसाब से, ठीक है ना। ये दो एग्जाम इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े लेवल के एग्जाम है, ठीक है। इनकी प्रिपरेशन के लिए भी इनका कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा होता है, और इनकी एग्जाम की प्रिपरेशन में देखिए, जब आप JEE पढ़ रहे हैं, मतलब आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। जब आप नीट पढ़ रहे हैं तो आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है ना। यहाँ जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे नीट के अंदर, और यहाँ जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे JEE के अंदर, इनमें स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है ना। स्लाइटली डिफरेंट कैसे, क्योंकि जो मैथ्स स्ट्रीम के लोग हैं, जो मैथ्स ब्रांच के लोग हैं, जो JEE की तैयारी करते हैं, उनसे हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से आएगी, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए कि हमेशा जो JEE और नीट के अंदर जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर काफी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। हालांकि दोनों की प्रिपरेशन हम साथ में ही करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छे लेवल के जो आप एग्जाम बोले, बहुत डीप लेवल के एग्जाम बोले, जिनके अंदर मैथ्स भी अच्छी खासी यूज में आती है, आप समझेंगे आगे डाउन जाकर, उनको JEE में पूछा जाता है नीट के अंदर। नीट के अंदर आप मानिए कि एवरेज लेवल के और अच्छे फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स की फाउंडेशन हम स्टार्ट करेंगे, हम अर्लियर क्लासेस स्टार्ट करें। आजकल तो हर कोचिंग सेंटर वगैरह, स्कूल वगैरह स्टार्ट करवा रहे हैं 6, 7, 8 से, 9 से, किसी भी क्लास से, तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है बेटा। क्यों? क्योंकि 11th-12th में जाके आपको बेनिफिट होगा वहां पर, ठीक है ना। सो चलिए अब हम आज स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर, जो हमने पूरी तरह से अच्छे तरीके से पहले पढ़ रखा है। तो सर अब और क्या पढ़ेंगे? फिर से वही पढ़ेंगे जो पहले था, ठीक है ना। मोशन के अंदर आपने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह, सभी वही चीजें फिर से पढ़ेंगे, लेकिन समझेंगे चीजों को बेसिक तरीके से। मैं आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लेवल से आपको बोलूं, एकदम सही तरीके से, कि ये एग्जाम्स क्या चाहते हैं। ये एग्जाम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपने चैप्टर को सिर्फ अपने वो कोई बुक होती है ना, बुक की तरह आपने रीड नहीं किया, आपने चैप्टर को समझा है, ठीक है ना। उसका फील लेके अच्छे तरीके से आपने चैप्टर को समझा है,
और हर तरह का बेसिक आपको आता है, यही इन दो एग्जाम्स का मोटिव रहता है, ठीक है ना। और इतने बेसिक तरह के क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जेई के अंदर और नीट के अंदर, और एडवांस का जो एग्जाम होता है आईआईटी का वो और भी अच्छे लेवल का होता है। इसका जो सेकंड स्टेज होता है आईआईटी जेई के दो स्टेज होते हैं, मेंस और एडवांस, ठीक है ना। मेंस का फर्स्ट पेपर होता है, एडवांस का सेकंड पेपर होता है। ये सारी चीजें आपने अब तक सुनी होगी, नहीं भी सुनी है तब सुन ले। और इनमें जो आप चैप्टर हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास के अंदर जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे वो आपको इलेवंथ के अंदर जाके जो सिलेबस है मैकेनिक्स का उसका बेस बनेगा। जो हमारे फोर चैप्टर मैकेनिक्स के एक चैप्टर वेव का है वो सारे चैप्टर आपके इलेवंथ में जाके आपको बेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। उसी का बेस हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और टेंथ के अंदर, टेंथ क्लास के अंदर आप जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो आपको ट्वेल्थ के अंदर जाके ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है उसका बेस आपका प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। सो अभी जो मैकेनिक्स का पार्ट है नाइन्थ का वो हम कवर करेंगे। आपको इलेवंथ में जाकर एज इट इज चैप्टर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे चैप्टर है ना मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, ऐसे कैसे इसी नाम से आपको इलेवंथ में मिलेंगे। लेकिन वहां आप और भी अच्छे तरीके से और बहुत बड़े लेवल पे अच्छे तरीके से उनको स्टडी करोगे, ठीक है ना। चलिए तो मोशन के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं, और हम चीजों को समझेंगे कि चैप्टर की फील एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से स्टार्ट होता है, चैप्टर के नाम से। सो चैप्टर का नाम हमारा है मोशन। मोशन के अंदर क्या दिक्कत है, मोशन क्या होता है, पहली बात तो ये समझते हैं। तो मोशन से आप ये समझते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट के अंदर होता है, ठीक है ना, मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो मोशन के अंदर, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो आप उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्टेट क्या, स्टेशनरी, ठीक है ना। तो एक फिजिक्स के अंदर हम बोले तो किसी भी चीज की दो तरह की स्टेट हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, इस यूनिवर्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की दो तरह की स्टेट हो सकती है, या तो वो स्टैटिक हो या वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। दो तरह की स्टेट, आप ये ऑब्जर्व में सो रहा हूं वो अलग नहीं बैठा, वो स्टैटिक है, ठीक है ना। कि आप या तो रेस्ट में है एक ऑब्जेक्ट या फिर मोशन के अंदर, ठीक है ना, मतलब वो मूव कर रहा है। तो इसको और अच्छे तरीके से किस तरह समझेंगे, सब हमने पढ़ रखा है, फिर से रिवीजन कर रहे हैं कि और अच्छे तरीके से किस तरह समझेंगे रेस्ट और मोशन को। कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो उसको कहते हैं रेस्ट का ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, रेस्ट का ऑब्जेक्ट। लेकिन ये हमेशा ट्रू है, ये भी गलत, ये हमेशा ट्रू होगा, ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात की कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपने आसपास के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या उनके उनके रेफरेंस में अगर मूव कर रहा है तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन के अंदर, ठीक है ना। सो हम सबसे पहली बात तो करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, हमने बात कर रखी है सभी तरह से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने पढ़ा, ये वर्ड हमने सुना है जब हमने स्टार्टिंग टॉपिक किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है बेटा ऑब्जर्वर। आप हमेशा ये समझिए फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में आप कभी नहीं कह सकते, जैसे मैं बोलूं कि मैं भी यहाँ पे खड़ा हूं तो आप में से कुछ लोग बोल देंगे सर आप खड़े हो तो आप रेस्ट के अंदर हो, लेकिन आपके लिए मैं रेस्ट के अंदर हूं, किसी और के लिए मैं रेस्ट में हूं ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, एक फ्रेम, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट को मानते हैं कि भाई इस रेफरेंस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट किस जगह पे, पहली बात। दूसरी बात, उस ऑब्जेक्ट को देखने वाला ऑब्जर्वर कौन सा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अपने पहले भी बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल लिए कि स्कूल के अंदर जो बच्चे बैठे हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है ना, तो जब टीचर पढ़ा रहा है तो उनके रेस्पेक्ट के अंदर बच्चे क्या है, रेस्ट के अंदर, ठीक है। सपोज पास से कोई व्हीकल निकल जाता है, गाड़ी वगैरह, तो उस गाड़ी के अंदर, उस व्हीकल के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके रेफरेंस के अंदर वो अपन को कैसे देखेंगे, हम लोग चल रहे हैं और वो भी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक के रेस्पेक्ट में हम दूसरे को देखते हैं। तो सबसे पहली बात, फिजिक्स ये कहता है कि आप किसी एक चीज को रेफरेंस मान लीजिए भाई, ठीक है ना। फिजिक्स ये कहता है कि हमको ये नहीं पता कि भाई आप अजम्पशंस मानो, फिजिक्स नहीं कहता। फिजिक्स कहता है कि आप सबसे पहले किसी एक चीज को, किसी एक जगह को रेफरेंस मान लीजिए, भाई हमने इसको रेफरेंस माना है, ठीक है ना, उस चीज को आप नाम दीजिए। जैसे कि हमने बोला कि ट्रेन के अंदर जा रहे, अब ट्रेन के अंदर आप जा रहे हो, आपके पास में कोई एक और आदमी बैठा है, ठीक है ना, तो आपके रेस्पेक्ट के अंदर आप दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट कैसे हो, रेस्ट के अंदर, कि आपके रेस्पेक्ट में वो चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको माना है, आप दोनों को माना है, ठीक है ना, आपने आपको खुद को माना, तो आपके रेस्पेक्ट के अंदर वो आदमी कैसा है, रेस्ट के अंदर। लेकिन बाहर जो ट्रेन के बाहर कोई आदमी बैठा है उसको ट्रेन जाती हुई दिख रही है, तो उसको ट्रेन भी मोशन के अंदर दिख रही है, आप भी मोशन के अंदर दिख रहे हो और आपके पास वाला भी मोशन के अंदर दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखने वाला ऑब्जर्वर कौन सा है और कहां से देख रहा है, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। अलग अलग तरह के ये इसका पहला डेफिनेशन है चैप्टर का, और इसपे बेस्ट क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बेसिक चीज आती है वो आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बातें कर चुके हैं और एक एक करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। भूल गए हो मुझे पता है तुम सब कुछ। सबसे पहला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए बता दीजिए कोई किसी को पता है तो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
इससे पहले मैं एक चीज और कवर करना चाहता हूँ, वो है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा, ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी है, फिर से रिविजन है बेटा, और अब आप अटेंटिव होकर स्टडी करें, क्योंकि आईआईटी नीट के लिए प्रिपरेशन बेटा इस तरह नहीं है जिस तरह हम बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे तो आप इन एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। ये बोर्ड की तरह नहीं है बेटा, ठीक है ना, कि आप लोग कुछ भी स्टडी कर रहे हैं धीरे धीरे उससे चल जाएगा काम, चलने वाला काम यहाँ पे बेटा नहीं, ठीक है ना। ये एग्जाम से इनका नाम ही ऐसा है कि ये काम नहीं चलाते, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिक्स के अंदर आप जितनी क्वांटिटी पढ़ते हो या आप अपने आसपास जितनी क्वांटिटीज देखते हो, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी हम जिसको देख सकते हैं महसूस कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी सारे तरह जैसे मास, एक्सेलरेशन, टाइम वगैरह जो भी आप बोलते हो सारी क्या फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। उन सारी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड करते हैं फिजिक्स के अंदर, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। सारा जानते हैं, सारा कुछ आपके लिखा हुआ है, आपको फिर से नोट नहीं करना है, लेकिन एक अच्छी कॉपी बनाकर इनको आप जरूर नोट करें जो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो तरह से डिफाइंड होती है, फर्स्ट होती है वेक्टर एंड सेकेंड होती है स्केलर, ठीक है ना। अब वेक्टर और स्केलर के अंदर क्या डिफरेंस होता है आप लोग समझिए, कि ऐसी क्वांटिटी जैसे मैं बोलूं मास, भाई आपने बोला भाई आपका मास है 50 केजी, कितना है ये मास है फिजिकल क्वांटिटी, तो आपका मास है 50 केजी, ठीक है ना। तो आपका मास जो 50 केजी है वो आप किसी भी जगह पे खड़े हैं अर्थ के ऊपर तो आपका मास 50 केजी रहेगा, आप यूनिवर्स में किसी भी जगह पे चले जाए आपका मास 50 केजी रहेगा। हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में स्टडी भी किया है कि मास कभी भी नहीं बदलता किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का वेट बदलता है, ठीक है ना, वो अलग बात है। तो मास एक ऑब्जेक्ट का फिक्स रहता है, तो वो किसी भी तरह की आप इसको यहां पे रखें किसी और जगह पे रखें इसका मास 50 केजी ही रहे, ठीक है। तो ये सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, मोशन की डायरेक्शन क्या उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ऑल दोस क्वांटिटीज जिसके अंदर हम बोले कि डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड हो, उसको क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उनको चाहिए, ठीक है। जैसे फोर्स की बात करें, अब मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है ना, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर आपने फोर्स लगाया, आपने बोला कि इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है ना, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, तो इसकी डायरेक्शन क्या है ये आपको बतानी पड़ेगी। आपने बोल दिया सीधा कि सर इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये 20 न्यूटन का फोर्स कहां से लग रहा है। सपोज मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल ये किसी फ्लोर पर रखा हुआ है, ठीक है ना, ये फ्लोर 20 न्यूटन का आपने बोला सर फोर्स लग रहा है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है ना, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आपने ये नहीं बताया कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप सोचिए कि इसकी डायरेक्शन बहुत सारी हो सकती है, लिमिटलेस डायरेक्शन है इसकी। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपने फोर्स 20 न्यूटन का ऐसे लगाया है, या फिर 20 न्यूटन का ऐसे लगाया है, या 20 न्यूटन का इस तरह से लगाया है, किस तरह से लगाया है ये आपको डिफाइन नहीं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्शन जैसे कि आपने अगर इस तरह से सर्फेस के परपेंडिकुलर लगाया तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, आपने अगर इस साइड लगाया तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा, जिस साइड फोर्स लगेगा उस साइड डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर इस साइड आपने मोशन दिया है तो इस साइड वो मूव करेगा, इस साइड मूव नहीं करेगा। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन की बात करें, हमने स्टडी किया एक्सेलरेशन को भी एक डायरेक्शन चाहिए कि वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्शन नहीं देंगे तो एक्सेलरेशन नहीं बता सकते कि एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो फोर्स, एक्सेलरेशन वगैरह ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि उसका उसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे, जैसे आपने लिखा है फोर्स 20 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन का, ठीक है ना, नॉर्थ के अंदर लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट समझ जाएगा भाई नॉर्थ के अंदर लग रहा है, किस साइड लग रहा है, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो सबसे पहली चीज की फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड हमको चाहिए। जैसे फोर्स की बात करें, गेट वगैरह की बात कर ले, आप विंडो वगैरह की बात कर ले, आप गेट खोलते हैं, ठीक है ना, तो या तो आप उस गेट को पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, एक गेट दो एक कुछ गेट होते हैं जो उधर भी खुलते हैं इधर भी खुलते हैं, लेकिन कुछ गेट ऐसे ही होते हैं जो एक ही साइड खुलते हैं, तो आप उसको अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर पुश या पुल करोगे तो वो नहीं खुलेगी, ठीक है ना। तो फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही लगता है, ठीक है, तो इसलिए वो कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं। दूसरी हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इनकी बात कर लेते हैं, तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी और स्पीड की बात करें तो स्पीड कैसी क्वांटिटी स्केलर, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, सारा हम जानते हैं, स्टडी फिर से करेंगे।
अब वेक्टर और जैसे कि वेलोसिटी और स्पीड की बात करूं तो वेलोसिटी को भी वी से लिखते हैं और स्पीड को भी वी से लिखते हैं, तो सर फर्क कैसे पता है? तो स्पीड जो होती है उसको सिर्फ नॉर्मल वी से लिखते हैं और वेलोसिटी के ऊपर वी के ऊपर इस तरह से हम एरो लगा लेते हैं, कैप लगा लेते हैं, बहुत सारे नोटेशन अलग अलग तरह से दिखाने के, कुछ लोग एरो लगाते हैं कुछ लोग कैप लगाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब इसको इससे अलग दिखाने के लिए हम इस तरह से एरो शो करते हैं, भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स को भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, एक्सेलरेशन को भी हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है, जो नोट करना चाहे नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो हम बात कर रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिखना चाहूंगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, डिस्टेंस कैसी, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर लिख लेना, एंड ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखना चाहे तो ये लिख ले सकते हैं, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, पहले देख लेते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट जितना पाथ कवर करता है अपनी मोशन के अंदर, उसको बोलते हैं उसकी डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई ए नाम का ऑब्जेक्ट है, इसने यहां से चलना शुरू किया ऐसे नॉर्थ के अंदर, जो भी डायरेक्शन ऐसा है मान लेते हैं, चलना शुरू किया ऐसा है, ठीक है, इसने कुछ 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की, क्या कहते हो, सही। अच्छा, फिर इसका मन बना तो ये इधर चलने लगा ऐसे कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना, कुछ भी एंगल जो भी दे रखा, ठीक है। ये सपोज इसने 15 मीटर मान लीजिए और कवर किया, 15 मीटर इसने और चला, सही बात, इसका मन बना आगे और चलने का, भाई थी ऐसे फिर ऐसे और चलने लगा और 15 मान लीजिए आगे और चल गया ये यहाँ पर, और इसकी फाइनल पोजीशन आ गई थी यहाँ पे आ गई, भाई साहब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन, क्या कहते हो, सही। तो आपको पूछा जाए कि एक इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, तो पहली बात तो ये समझे कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर एंड पोजीशन तक जितना चलता जाता है ना, वो जितने डिस्टेंस उसने कवर किया, जितना पाथ उसने कवर किया, इसने ले उसको आप क्या बोलते हैं, उसकी डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे यहां से यहां चला कितना हुआ, 20 प्लस 15 प्लस 15, समझ के बात, कुछ कितना हो जाएगा डिस्टेंस आपका यहां पर 15 मीटर, क्या कहते हैं। अब आप खुद देखिए कि आपने पहले डायरेक्शन ली ये वाली, फिर डायरेक्शन ली ये वाली, फिर डायरेक्शन आपने ये वाली ली, तो डायरेक्शन आपने चेंज की लेकिन क्या डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, जो मैग्नीट्यूड था वो वही रहना है, कोई डिस्टेंस इससे फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्शन को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस हम इसलिए कहते हैं डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इस पर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किधर भी चलो ये हमेशा क्या देगा, जो उसका मैग्नीट्यूड है ना उतना ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका आगे और मन बना और ये यहां से लेके यहां तक चल गया 25 मीटर और चल गया भाई साहब, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन, फाइनल भी यही है इनिशियल भी यही है, ठीक है ना। अब आपको पूछे डिस्टेंस क्या है, तो जो आपने 50 यहां तक चला था 50 प्लस 25 और कर लेंगे 75 मीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, पहली बार ऑप्शन नहीं। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जितना एक्चुअल पाथ कवर करता है उसको उसकी डिस्टेंस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ही छोटा भाई है, पहली बात आप इसमें, इसी का एक छोटा डिस्टेंस का एक छोटा रूप क्या होता है, छोटा फॉर्म क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट को दिक्कत क्या दे दी, डिस्प्लेसमेंट को हमने पहले ही डिफाइन किया है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब इसके अगर मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो जब इसको मैग्नीट्यूड देंगे तो डायरेक्शन ही मांगेगा, भाई डायरेक्शन कौन से साइड में जाओ, ठीक है ना। ये बिल्कुल फोर्स की तरह चलता है कि फोर्स को आपने बोला ना, भाई आपने बोल दिया कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो किस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है पहले बताओ भाई, तभी तो फोर्स लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट में यही कहता है कि अगर आपने इसको मैग्नीट्यूड दिया है, आपने बोला है भाई 20 मीटर चलना है, पहली बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो होती है वो एक तरह से आप मीटर में मेजर करते हैं इसको, ठीक है ना, किसी भी तरह की लेंथ आप मेजर कर सकते हैं। और 20 मीटर आपने बोला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर बोला तो ये आपको पहले बोलेगा कौन सी डायरेक्शन के अंदर 20 मीटर है, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपने साथ में एक डायरेक्शन को लेके आता है। अब समझते हैं इसी एग्जाम्पल से, भाई देखिए पहला एग्जाम्पल हमने ये इस तरह से लिया था कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजिशन ये कुछ इस तरह से थी, सही बात, यहां से चलना शुरू हुआ था ऑब्जेक्ट, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां, यहां से वापस यहां पे आया, तो आपने बोला डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी 50 मीटर, जो आपने एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट ने कवर किया वही डिस्टेंस है। अब इसी केस के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्या बोल रहा हूं मैं,
मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। अब आप बोलिए कि डिस्टेंस का ये छोटा रूप होता है। अब इनिशियल इसको हमेशा एक ही चीज से मतलब है, डिस्प्लेसमेंट को, कि एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजिशन क्या है, फाइनल पोजिशन क्या है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट कितना चला है, भले दुनिया घूम के आया कि भले कहीं से आया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजिशन क्या है, बाकी भले ऑब्जेक्ट घुमाए कि नहीं घुमाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट इनिशियल किस डायरेक्शन में गया और फाइनल किस डायरेक्शन में आया। तो जब यहां से यहां आया, यहां से आया, अब सोचिए कि इनिशियल पोजिशन कौन सी, ये वाली, फाइनल ये वाली। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना बेटा, इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम बात आप बोलते हो उसको क्या कहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ रहे बात, इसको कोई मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट, आप समझाता हूं आपको, देखो फॉर एग्जाम्पल, अब ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट का पहला मैंने पहला रास्ता आपको ये दिखाया, दूसरा मैं बोलूं ऑब्जेक्ट इस तरह से चलना है, यहां पे आ गया, तीसरा मैं बोलूं ऑब्जेक्ट इस तरह से चलना है, यहां पे आ गया, फोर्थ वाला इस तरह से चल रहा है, यहां पे आ गया, ये एक ही ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट अलग अलग पाथ से होकर जा रहा है ना, तो उसकी डिस्टेंस हमेशा बदलेगी। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से थोड़ा सा हिलना शुरू करता है ना, तो उसकी डिस्टेंस हमेशा होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन सारे केस के अंदर डिस्टेंस हमेशा अलग होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, हमेशा यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट सारे केस के अंदर एक ही रहेगा, वो जो ये, अब ये कितना होगा, अगर कोई शेप दे रखा है, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, जो भी दे रखा है उससे आप निकाल सकते हैं, और नहीं दे रखा तो ये डिस्टेंस आप किस तरह से गिवन होगी, मान लेते हैं 20 मीटर है, 25 मीटर है, जो भी है, ठीक है, मान लेते हैं 25 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट आप कितना हो जाएगा, 25 मीटर। बात समझ रहे, तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस क्या है, एक ऑब्जेक्ट जितना पाथ कवर करता है, जितनी जितनी अपने ट्रेवल के अंदर लेंथ कवर करता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, ये नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, नोट कर लो जो नोट करना चाहे, एग्जाम्पल इसके कुछ देखेंगे आगे हम। चलिए आगे इसकी और क्या बात कर सकते हैं, और बात करेंगे इसकी यूनिट की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं फिजिक्स या हो या मैथ्स हो, एक ऑब्जेक्ट की या एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट के बिना क्या पता है कि क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल हमेशा ये एग्जाम्पल इस तरह से लेता हूं कि जैसे मैंने बोला 40 न्यूटन का फोर्स, भाई 40 न्यूटन मैंने लिखा है तो आपकी अक्कल लगती है कि 40 न्यूटन लिखा है मतलब ये फोर्स होगा किसी भी तरह का, 40 न्यूटन मैंने लिखा है 20 kg, तो आपका दिमाग चलता है भाई 20 केजी लिखा मतलब मास है, सही बात। अच्छा मैंने आगे लिखा है 50 मीटर, तो आप बोलो 50 मीटर लिखा है किसी तरह की कोई लेंथ है, इसको आपने मीटर के अंदर लिखा, ठीक है। अब समझिए आप, अब मैं सीधा लिखूं 50, आपको नहीं पता 50 क्या चीज है, 50 एक मैथमेटिकल क्वांटिटी, मैथमेटिकल डिजिट है, ठीक है ना, आपको नहीं पता 50 क्या चीज है। अब ये 50 जो है ना, इसके पीछे जो आप चीज लगाते हैं ना केजी, कभी आपने मीटर लगाया, कभी आपने न्यूटन लगाया, ये जो पीछे वाला यूनिट है ना, ये इसको डिफाइंड करती है, ठीक है ना। इसीलिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, जो उसका मैग्नीट्यूड से ज्यादा, ठीक है। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की यूनिट होती है वो होती है मीटर, मीटर किसके अंदर होती है एमकेएस के अंदर, और सेंटीमीटर किसके अंदर होती है सीडीएस के अंदर, सीडीएस और एमकेएस समझते हैं, ठीक है ना। एमकेएस का मतलब यूनिट सिस्टम जो है वो एसआई सिस्टम जो होता है, जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत तरह के होते हैं, आपके लिए दो तरह के, मेन तरह के समझिए, एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस, आगे और भी होते हैं एफकेएस वगैरह, ठीक है ना। आप इन दोनों को पहले अच्छे तरीके से समझिए। पहली बात तो एमकेएस को एसआईवी कहते हैं, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, इसको मान के चला है, मतलब कि अगर किसी चीज की आपको यूनिट नहीं दे रखी है तो आप उसकी एमकेएस मान सकते हैं, ठीक है। एमकेएस का मतलब, एम का मतलब होता है मीटर लेंथ के लिए, के का मतलब होता है केजी मास के लिए, और एस का मतलब होता है सेकंड टाइम के लिए, ठीक है ना। तो मास, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ये एमकेएस के अंदर दिखाते हैं। मतलब अगर एक सिस्टम कोई आपको क्वेश्चन कर रहे हो, उसके अंदर एक जो आपकी आपको मास दे रखा है केजी के अंदर, और लेंथ जो आपको सेंटीमीटर के अंदर दे रखी है, तो आप पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। मतलब कुल मिलाकर एक क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा सबकी सब चीजों को एक यूनिट सिस्टम के अंदर लाना होता है, सारी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम के अंदर बिठाना होता है। दूसरा होता है सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है ना। टाइम की बात करें, टाइम सीजीएस हो या एमकेएस हमेशा सेकंड में रहता है, और क्वेश्चन जब भी करें टाइम को हमेशा सेकंड में रहता है, मिनट में दे रखा हो, आवर में दे रखा हो, सबसे पहले उसको सेकंड में चेंज कर ले। हाँ, अगर आर में दे रखा है तो हम उस पर और तरह के क्वेश्चन भी होते हैं एवरेज के अंदर, वो बाद में देखेंगे। तो ये दो दो तरह के आपको मेन सिस्टम देखने को मिलेंगे जो हमारे काम में आएंगे, ठीक है ना, नोट कर ले।
मीटर और सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों की, ठीक है ना। इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का साइन बहुत तरह से, कुछ लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी तरह से करना क्या है। अगर डिस्प्लेसमेंट को आपने डिस्टेंस को अगर आपने एक्स से लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, एक्स के ऊपर बार या एक्स के ऊपर कुछ कैप, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन उठा है, देखिए बेटा अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, कुछ क्वेश्चन दे रखा है, लिख लिया आप क्वेश्चन, मैं रीड कर रहा हूं। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड कम बैक देन गोज टू पॉइंट सी, कुछ एक डायग्राम दे रखा है इस तरह से रेक्टेंगल बना हुआ है, यहां पे पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी, आपको बोल रहा है कि अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है ना, ए से बी जा रहा है, एक बॉडी है, कुछ ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है, ये पहले ए से बी गया, ठीक है ना, तो फर्स्ट डायरेक्शन की ये रही, सेकेंड टाइम ये एंड कम बैक, फिर से आ रहा है, मतलब ए से बी गया, फिर से बी से ए पे आ गया, बात समझ रहे। उसके बाद कह रहा है एंड गोज टू पॉइंट सी, उसके बाद ये यहां पे पहले ए से बी गया, फिर बी से वापस ये आया, और वापस फिर ए से कहां जा रहा है, सी जा रहा है, पहली बार समझ में आपको, ठीक है। आगे बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, आपको बोल रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, आपको इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करना है। वैसे हमको नहीं पता डायमेंशन क्या है, तो रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल हम जानते हैं कि एक साइड होती है ए और दूसरी साइड होती है बी, लेंथ और ब्रेथ किसी भी तरह से मान सकते हैं। चलिए अब हमको बोला क्या गया है कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, फिर बी से वापस ए आया, ये फर्स्ट डायरेक्शन है इसकी, ये सेकंड डायरेक्शन है इसकी, और ये थर्ड डायरेक्शन है इसकी। सो व्हाट इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ये रहा, ठीक है, और ये रहा फाइनल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको पहला पूछा है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और दूसरा पूछा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस हम क्या कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जितना एक्चुअल पाथ कवर करता है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना, जितना चला उसको हम कहेंगे डिस्टेंस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन क्या चीज है। चलो सपोज ये ए क्या है, लेंथ है, और बी क्या है, ब्रेथ है, ठीक है ना, इसको आप कुछ और मान भी सकते हैं, 10 सेंटीमीटर 5 मीटर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, हम अभी इसको ए और बी मान के चलो। चलो ऑब्जेक्ट ए से बी गया, अब ये नोट कर ले एक बार के लिए, तो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना यहां पर, डिस्टेंस को मैं एक्स से लिख रहा हूं, एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस मैं फर्स्ट वाला लिख रहा हूं। तो देखिए पहले ऑब्जेक्ट ए से बी गया, ए से बी जाएगा तो कितना पाथ कवर किया, कितनी लेंथ कवर की इसने, ए प्लस जितनी लेंथ कवर करेगी उसको एड करते जाएंगे, फिर वापस बी से ए आया, तो फिर वापस बी से ए आया तो कितनी लेंथ कवर की, ए, फिर से ए तो है लेंथ, तो यहाँ पे ए और आ गया। अच्छा फिर ए से लेके वापस कहाँ जा रहा है, सी जा रहा है, तो ए से सी की डिस्टेंस क्या होगी, समझ सकते हैं आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, हाइपोटेनस है, तो जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम भूल गए तुम लोग, ये जो लेंथ है सपोज इसको मान लेते हैं एच, या कुछ भी मान लेते हैं सी मान लेते हैं स्मॉल सी, तो स्मॉल सी इज इक्वल टू क्या होगा जानते हैं ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अगर हाइपोटेनस निकालना है तो अंडर रूट ऑफ बेस प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये वाली हाइट जो है लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास में लेंथ क्या आ गई, ए प्लस ए क्या आ गया, टू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ आप जो भी वैल्यू दे रखी होगी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, अभी हम सिर्फ इन जनरल समझ रहे हैं कि इन जनरल फॉर्म के अंदर इसको कैसे निकालेंगे, तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई, जितना पाथ कवर किया वो डिस्टेंस आ गई। दूसरा हमको निकालना डिस्प्लेसमेंट, पहले आप नोट करें इसको, दूसरा हमको निकालना डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात की, डिस्प्लेसमेंट क्या किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे, उसको तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पाथ चला है भाई, भले वो पूरा इस रेक्टेंगल के अंदर भले 50 सेकंड निकाल के आया होता ना,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ एक ही बात से मतलब रखता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल ईयर ही बेटा और फाइनल ईयर ही, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो मिनिमम पाथ है। आप ही बोलोगे सर ये मिनिमम पाथ नहीं भाई, ये भी तो यहां से लेकर यहां, ये भी तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस है ना बेटा, लेकिन ए और सी के बीच का मिनिमम पाथ कौन सा है, ये वाला। तो आप क्या बोलोगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लेंथ कितनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना आंसर, समझ गए। यूनिट अगर नहीं दे रखी है तो भी मीटर स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। यूनिट का आप ये ऐसे लिख सकते हैं यूनिट ओनली, ठीक है ना, तो भी चलेगा, सही बात है। इस तरह की और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आज के लिए जो पढ़ाया है अच्छे तरीके से पढ़े और अच्छे तरीके से स्टडी करें। अगर आपके पास में रेफरेंस बुक के तौर पर अगर एच सी वर्मा की बुक है तो भी चलेगा, किसी तरह की अगर ओलंपियाड एनटीएससी की जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है उनकी बुक है तो भी चलेगा, किसी जेई आई आई टी नीट की किसी कोचिंग के मेटेरियल तो भी चलेगा, और स्कूल की तरफ से आपको बहुत सारे मेटेरियल अवेलेबल होंगे वो भी चलेंगे। किसी भी तरह की प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर यही बुक लानी है यही बुक लानी है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस भी बुक के अंदर आपको आई आई टी नीट के क्वेश्चन मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं या फिर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।